तो हम आलू के फरे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने घर पे जरूर एक बार बनाएंगे। और दाल के फरे बच्चे अक्सर करके नहीं पसंद करते हैं, और अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप अपने घर पे आलू के फरे बनाएंगे, उन्हें बहुत टेस्टी लगेगा और दूसरी बार भी आपसे डिमांड करेंगे और बहुत झटपट बनके रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। चटनी इसलिए बनाएंगे क्योंकि दाल के फरे के साथ सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन आलू के फरे में आलू तो पहले से भरा होता है तो इसलिए उसके साथ चटनी बहुत टेस्टी लगेगी। तो हम चटनी बनाएंगे। 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, 4 हरी मिर्च है और 1 प्याज है, जीरा, सूखी धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब चलते हैं हम इनको पका लेते हैं, थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं, फिर अपनी चटपटी चटनी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा 1 पिंच लाल मिर्च भी डालेंगे। और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारा पैन गरम हो चुका है, इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे और खड़ी धनिया, इन दोनों को साथ में पका लेंगे। दोनों हमारा पकने लगा है, इसमें हम मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और टमाटर, नमक डालेंगे 14 अनुसार जो हमने निकाल के रखा है। अब इसमें लाल मिर्च और चला के हम ढक देंगे। ये हमारा पक रहा है तब तक हम आटा गूंद ले रहे हैं। हमने आटा ले रखा है, उसमें हम नमक डाल लेंगे और पहले से ही पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। हम गर्म आटे में आटा मारेंगे क्योंकि चावल का आटा बहुत दरदरा होता है, गर्म पानी में मारने से हमारा बहुत सॉफ्ट डो बनेगा, इसलिए हम इसमें गर्म पानी में गूंदेंगे। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और आटा को पहले हम कलछी से चला के सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम गूंदेंगे। क्योंकि ये गर्म पानी है, हाथ जल सकता है, इसलिए आप भी ऐसे बढ़िया सॉफ्ट आटा गूंदें। आटा हमारा तैयार हो चुका है, इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना आलू तैयार कर लेते हैं। हमने ढक दिया है, ये हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। और आलू के फरे के साथ जितनी ही तीखी चटपटी चटनी हो उतनी ही अच्छी लगेगी। और ये चटनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। और हम फरे को पानी में नहीं बनाएंगे, हम कढ़ाई में बनाएंगे। आप मेरा वीडियो पूरा वॉच करें तभी आपको पता चलेगा हम फरे कैसे बना रहे हैं। चटनी बन चुकी है, आटा गल चुका है, अब हम चलते हैं आलू तैयार करने। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, हरी मिर्च बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि चटनी हमारी तीखी है, प्याज थोड़ा सा, बहुत कुछ ज्यादा इसमें नहीं डालना है, इसको हम चला लेंगे। हल्दी छोटी 1/2 स्पून, धनिया इसको भी चला लेंगे। फिर इसमें हम हरी मटर डालेंगे और आलू, अब इसमें हम अपने आलू डाल देंगे जो हमने मैश कर रखे हैं। हमने सारा मसाला आलू में एक साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करके 5 मिनट पकाएंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। मसाले हमने आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। और इसमें हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले दे रहे हैं, कम ही डालेंगे क्योंकि चटनी में भी है आटे में भी है, बस नमक डालना है। अच्छे से इसको मिक्सअप करके 2 मिनट पका लेंगे और हमारा आलू रेडी। इसमें हम 4 मसाला डाल दे रहे हैं 1/2 स्पून, हमने इसमें 1/2 स्पून चाट मसाला डाल दिया ताकि हमारा आलू चटपटा बने और हम अपना गैस जो है बंद कर दे रहे हैं। हमारा आलू पक चुका है,
और इसका बढ़िया परा बनाएंगे। ये हमने एक चावल के आटे की लोई ले ली है, इसको चकले पे आराम से बेलेंगे। बहुत लोग जो है हाथ से भी बनाते हैं लेकिन ये जल्दी हो जाता है। ये हमारी बेल चुकी है। अब एक हमारे पास कटर नहीं, एक ग्लास हो चुके हैं। हमने इसमें आलू फिल कर लिया है, अब इनको हम पकाएंगे। देखिए आलू कितने अच्छे तरीके से भर गया है। हमने एक साथ सारे रेडी कर लिए हैं और एक तरफ मेरा पैन में तेल भी गर्म हो चुका है। अब चलते हैं हम उसमें डालने। तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसे हम कढ़ाई बनाएंगे, भाप में नहीं बनाएंगे और हल्का गोल्डन और बहुत कम तेल लगता है इसमें, बहुत ज्यादा नहीं लगता, बस फ्राई थोड़ा सा लाल हो जाए और इसमें हम पानी डाल देंगे। बस मेरा फरा रेडी। ऐसे एक एक करके हम अपने फरों को अपने कढ़िया में डालेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप जरूर से जरूर एक बार अपने घर पर ट्राई करिएगा। मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आती है और जब मन होता है मैं यही बनाती हूँ। हल्का सा लाल हो जाएगा, बस हम पलटेंगे और बहुत एक साथ ज़्यादा नहीं भर देंगे, कम से कम 10-12 ऐसे करके एक बार में हम डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। अब इसको हम ढकेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। हम पानी बहुत कम डालेंगे, सिर्फ पकने के लिए डाल रहे हैं और वैसे थोड़ा बहुत हमारा पक चुका है, मुलायम बने और पक जाए और हम ढक देंगे। इतना ही पानी डालेंगे और ढक देंगे।
दो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब अपना हम गैस बंद कर रहे हैं और प्लेट आउट कर रहे हैं। हमारी बहुत यम्मी सी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप अपने घर पे एक बार ज़रूर बनाएंगे। और हम आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार अपने घर पे बनाएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बाय बाय।